बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा आजकल मूविंग इन विद मलाइका को लेकर चर्चा में बनी हुई है। मलाइका की मजेदार बातें और धाकड़ अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। हाल ही में शो का नया प्रोमो शेयर किया गया। प्रोमो में नोरा फतेही और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस मलाइका से बात करते दिखे। तीनों स्टार्स बात कर ही रहे थे तभी नोरा फतेही नाराज होकर चली जाती है। छोटे से प्रोमो ने सोशल मीडिया का माहौल गर्म कर दिया था। वहीं अब नोरा फतेही ने मलाइका को लेकर अपने दिल की बात की है। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं नेटवर्क 7 न्यूज में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नोरा फतेही का कहना है कि दोनों एक्ट्रेसेस की तुलना करना ठीक नहीं है। नोरा कहती है, मलाइका ने वो किया है जो मैं कभी नहीं कर सकती। आप बॉलीवुड की विरासत का हिस्सा है। वो बॉलीवुड का सुनहरा समय था। हम समय की बात करते हैं पर हम आज की बात नहीं करते। ये सिर्फ आपके लिए अपमानजनक नहीं है बल्कि ये मेरे लिए भी इंसल्टिंग है क्योंकि ये मुझे इन चीजों से दूर ले जाता है जो मैं आज कर रही हूँ। नोरा का कहना है कि इसकी वजह से उनका सारा किया हुआ मिट्टी में मिल जाता है। नोरा फतेही के बाद मलाइका ने भी अपने दिल की बात रखी। मलाइका का कहना है कि लोग नोरा और उन्हें इवेंट शोज में साथ लाना चाहते हैं ताकि वो उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके। नोरा पूछती है कि क्या उन्हें बुरा नहीं लगता। मलाइका कहती है, क्यों नहीं लगता, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चीजें बुरी लगती है। मलाइका कहती है, सोचकर अजीब लगता है, जो जॉब मेरी हो सकती थी वो अब किसी और की हो रही है। ऐसी चीजें आपको तोड़ सकती है। आपको पता है कि वहाँ कोई खूबसूरत और जवा है आपको इससे डील कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।